हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक्चुअली मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो SOL है उसकी ई कॉमर्स की बुक आ चुकी है, ठीक है, जिसमें एक ही बुक में 1 से 5 कंप्लीट यूनिट दे दी गई है, ठीक है। तो ये मैं जो है आपको शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। यह स्टडी मटेरियल, इसमें यूनिट 1 ई कॉमर्स में आपका, ठीक है, सेकेंड में नॉर्मल्स के बारे में बताया जाएगा कि इसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो यूनिट 1 में तो बस आपको ये बताया जाएगा कि ई कॉमर्स है क्या, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 में आपको बताया जाएगा कैसे कैसे यूज़ होता है इसका, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 3rd पार्ट जो है यूनिट में, उसमें आपको बताया जाएगा कि इसको किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, किस तरह से इस पर वर्क होता है। यूनिट 4 में आप इसमें पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स के थ्रू हम अपने जो पेमेंट सिस्टम है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग शॉपिंग करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो फ्लिपकार्ट जो है वो क्या है, एक ई कॉमर्स कंपनी है, राइट। अब उसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसको हमारे घर पे जब वो प्रोडक्ट आता है देन हम क्या करते हैं, उसको पे करते हैं जो प्रोडक्ट के लिए, तो हम क्या इसका इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, XYZ जितनी भी चीज़ें, तो हम किस तरह से एक पे करते हैं ई कॉमर्स में उसका है। 5th में आप कैसे पढ़ेंगे कि इस, ठीक है, ये हमारे न्यू टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ है हमारे, लेकिन इसका किस किस तरह से हम इस पे ठीक से वर्क कर सकते हैं, क्या इसका एक्सेस यूज़ करने से कुछ गलत हो सकता है, किस तरह से इसमें और प्रोसेस है, तो आप ये यूनिट 5 में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ ही पर शेयर कर रही हूँ, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी आप लोगों को प्लीज़ मुझे बताना, मैं 1 by 1 यूनिट करके इसको भी अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फ्रेंड। बस यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और कुछ नहीं।